ऊपर लिनक्स इंस्टॉल है, क्लाउड कंप्यूटिंग टोटली लिनक्स में चल रही होती है। तो जब आप यहाँ से विंडोज से प्लेटफॉर्म से वहां पे जाते हैं ना, तो आपको बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारी कमांड है आपको पता ही नहीं होती है, सिंपल हम कॉपी कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह की काम कर रहे होते हैं, अब वो कोड भी आपको फिर कमांड सिखाना पड़ती है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, आपका जो भी डेवलपमेंट के ओपन सोर्स की यानी सॉफ्टवेयर है ना, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज बनती है वो सबसे पहले लिनक्स के लिए बनती है। क्यों? क्योंकि लिनक्स के लिए कोई भी बना सकता है, कोई भी बंदा जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात अगर हम करें, एक नया ड्राइवर भी आएगा ना, एक नया हार्डवेयर बनेगा, तो उसका ड्राइवर भी हमें कौन बना के देगा? जो एजेंट है ना, वो बच्चा कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, बस माइक्रोसॉफ्ट के पास जब टाइम होगा तभी बना के देगा। दूसरा, एनवायरनमेंट से कोई इनपुट ले, ठीक है, हाँ, तो वो विंडो आपको अपडेट करना पड़ेगी, जब अपडेशन आएगी तो ही आपकी वो अपडेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जी सर, अगर हम लोग लिनक्स करते हैं तो हमारे बाकी जो सॉफ्टवेयर है वीएस स्टूडियो या दूसरे इंजीनियरिंग के, वो उसमें तो कोई मसला नहीं आएगा, पीएसपीएस या प्रोटीस वगैरह में वो स्मूथली रन हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, सारी चीजें उसमें हो जाएंगी, एनाकोंडा के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा जी, अरे सबसे पहले मैं आप लोग को ना कुछ कोड करना सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, कहीं पे भी जाके टर्मिनल, जैसे मैं यहाँ पे खोलता हूँ, देखें टर्मिनल, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन आ गई। विंडो वाला कोई है? विंडो वाला अपनी स्क्रीन शेयर करे, कोई भी विंडो वाला है, और जितने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ दोस्तों, ठीक है, हमारे पास बिलाल ने स्क्रीन शेयर किया। अच्छा बिलाल, अब आप क्या करें, सर्च प्रोग्राम पे जरा क्लिक करें और वहां पे लिखें टर्मिनल या कंसोल या विंडो प्लस आर करें, सब कुछ छोड़े, इतना महंगा, इतनी मुश्किल तो नहीं आ जाए, सीएमडी लिख दें, विंडो प्लस आर, विंडो की के साथ आर का बटन, सीएमडी लिखें, ठीक है, इंटर कर दें, ये ब्लैक स्क्रीन आ गई। अच्छा यहां पर लिखे पाइथन, लेकिन इसके लिए मैं फिर कह रहा हूं एनाकोंडा इंस्टॉल होना फर्ज है, इंटर, ठीक है, आपका पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है, ये विंडो पे इस तरह होता है। अच्छा इससे बाहर निकलना है ना, इसके अंदर आप अभी हम चीजें देखें, यहां पे लिखो प्रिंट, पी आर आई एन टी प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, क्योंकि फंक्शन है, और डबल कोट के अंदर लिख दें आप क्वार्टर, क्या है, क्वार्टर वन बेच 36 to 37। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल जी से भी हम बैक जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी अब इसको एक नजर देख लें, फिर मैं आपको बताता हूं इसका क्या फायदा, क्या नुकसान। पाइथन की जो लाइन है ना, इसके इसके और नीचे हेल्प की लाइन के दरमियान में एक वार्निंग आ रही है, तो उसका क्या किया जाए? जी सर, मेरी भी आ रही है, आने दें, एंटर करने के बाद, प्रिंट करने के बाद ये लिखा हुआ आ रहा है, प्रिंट अपना नाम कर रहे हैं, डबल कोट के अंदर अपना नाम लिखा, ठीक है, ये पाइथन आपकी चल चुकी है। अच्छा अब ये आपको बंद करना, पाइथन से बाहर जाना, यहां से ये कंसोल ही बंद कर दें, ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, ये कर सकते हैं, या दोबारा, ठीक है, एग्जिट ई एक्स आई, अच्छा दोबारा पाइथन करवा दीजिएगा, पाइथन लिखें, दोबारा पाइथन लिखें, ये पाइथन के इंटरप्रेटर में गए, अब पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर है, आप पाइथन से बात कर सकते हैं, आपने कहा प्रिंट, अपना नाम लिख दें मिला, पाइथन से पहले इसमें अगर काम करना है तो कमांड लाइन भी आपको आनी चाहिए, जितने कमांड आपने देनी है। जी जी बिलाल, मैं पहले तरीके ही बता रहा हूँ, अभी देखते हैं, एक और कोई अपना टीचर नेम लिख दे प्रिंट के अंदर, अभी देखते जाएं, हम पाइथन से बात कर रहे हैं, अभी जितनी मैं लैंग्वेज सिंटैक्स इस्तेमाल करूंगा पाइथन, टीचर नेम लिख दें या जो भी आपकी क्लास टाइमिंग है वो लिख दें बिलाल, डायरेक्ट पाइथन नहीं चला सकते? डायरेक्ट पाइथन चला सकते हैं, लेकिन फिर आपको बार बार पिप इंस्टॉल या पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो दूसरे पैकेजेस होंगे। ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू, ठीक है, चले भैया हमारे खुश नसीब है, नुमान भाई भी हमारे साथ। अच्छा हाँ, डबल कोट नहीं लगाया,
सॉरी मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, मैं पाइथन इंस्टॉल हुआ था बल्कि है बल्कि, लेकिन मैं जब भी ये सीएमडी के ऊपर ट्राई कर रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं दे रहा, बल्कि एक विंडो दे रहा है कि जिसको डाउनलोड करने का बोलता है। हाँ तो वो इंस्टॉल करने और उसके बाद सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि आपके ना एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं है ना, एनाकोंडा इंस्टॉल करने एनवायरनमेंट पाथ पे चेक लगा दें उसके बाद ये काम होगा। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो हम यहाँ पे फेस करेंगे अभी, एग्जिट लिखें exi exit करने ब्रैकेट ओपन क्लोज, नहीं ब्रैकेट ओपन क्लोज में क्या है दो फंक्शन बता दे रहा कैसे चलेगा, कंट्रोल जी भी रिटर्न एग्जिट के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है शॉर्ट की आपको बता रहा हूँ। अच्छा पता है ये आपने पाइथन के ऊपर काम किया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर आपने अपना नाम लिखा, अपनी क्लास का नाम लिखा, अपने कोर्स का नाम लिखा, सिर्फ तीन लाइन लिखी, आप सोचिए आप फेसबुक का पूरा लॉग इन सिस्टम बनाते कंसोल के ऊपर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक ब्लैक स्क्रीन आपने खोली नहीं थी ना जब तक तो सारे काम हुए, लेकिन जैसे ही ब्लैक स्क्रीन से आप बाहर आए आपका सारा काम खत्म। ठीक है अगर मैं इस टर्मिनल को बंद करूं, टर्मिनल को बंद करें अच्छा अब क्या हुआ, टर्मिनल बंद किया, अब दोबारा सीएमडी खोलें। अब मुझे ये बताएं आपने 500 लाइनें अगर लिखी होती वो कहीं है अभी? नहीं सर। जी दोस्त नहीं है ना, कंसोल में काम करने का नुकसान ये हुआ कि आपने इतना सारा काम किया लेकिन कोई भी काम आपको नहीं मिला। तो देखें प्रोग्रामिंग पाइथन टाइप करने का पहला तरीका ये हो गया कि आप ब्लैक स्क्रीन पे जाके पाइथन लिख के अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं तो जब तक आपने ब्लैक कंसोल खोला है जब तक तो वो कोड नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो बंद होगा आपका सारा काम खत्म। तो क्या ये तरीका सही था? नहीं। अच्छा अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, यही काम मैं अपनी लिनक्स पर करता हूँ। ठीक है जी, लिनक्स पर मैंने क्या किया, ब्लैक स्क्रीन खोली, यहाँ पे लिखा पाइथन, वही सेम एनाकोंडा देखिए इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद, प्रैक्टिस दोबारा आपके ना अच्छी खासी आप लोगों की करवाना पड़ेगी। ठीक है जी, जब मैंने लिख लिया ब्लैक स्क्रीन बंद करी कंसोल से बाहर आया सारी मेहनत खत्म, तो पहला तरीका आ गया आपको कि आप पाइथन पे जाके वहां पे ये काम कर सकते हैं। इसको मैं डॉक्यूमेंट करके आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक फाइल यहां पे बना लें। अच्छा विंडो वाले जो है ना, विंडो वाले अभी बिलाल दोबारा से आप अपनी स्क्रीन शेयर करें फिर मैं इस पर करके दिखाऊंगा। बिलाल अच्छा अब बिलाल आप क्या करें, इसको बंद करें। बंद करने के बाद आप डी ड्राइव में या कहीं पे भी एक फोल्डर बना लें, यही बना लें भले क्या फर्क पड़ता है, क्लास वन के नाम से या जो भी है क्लास टू कर लें। जाएं फोल्डर के अंदर। अच्छा अब आप क्या करें, राइट क्लिक करें, न्यू का ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट यहाँ पे नोट पैड आ रहे हैं, नोट पैड क्लिक करें, माइक को म्यूट कर लिया, थर्ड लास्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा यहाँ पे आप लिख दें क्लास वन। अच्छा अभी ना पता प्रॉब्लम है, क्लास वन मिला के लिखें स्पेस नहीं दें। ओके करें। अच्छा अभी ना सिर्फ ये इसकी जो टाइप है ना, टाइप क्या आ रही है देखें, इसका नाम लिखा हुआ है, नेम आ रहा है, उसके बाद मॉडिफाइड डेट आ रही है, फिर टाइप आ रही है, टाइप क्या आ रही है इसकी, टीएक्सटी। ठीक है तो टीएक्सटी है, इसका मतलब है ये तो टेक्स्ट फाइल है, हमें इसकी टाइप चेंज करनी है। इसकी एक्सटेंशन शो करवा सकते हैं, एक्सटेंशन शो करवाना आती है दोस्तों,
व्यू के ऑप्शन में जाएं, सबको छोड़ें, ये लास्ट जो सबसे होम शेयर सबसे टॉप पे, सबसे टॉप से होम शेयर पे, सबसे टॉप पे फोल्डर ऑप्शन में, सबसे टॉप पे फाइल मेन्यू में, मेन्यू में ये दिस वन क्लिक करें। अच्छा यहां पे आप देखें थर्ड लास्ट ऑप्शन आ रहा है फाइल नेम एक्सटेंशन, यार चेक लगाना। अब क्या हुआ, एक्सटेंशन शो हो गए दोस्तों। यस, अब इसको भी नेम करें, एक्सटेंशन शो करवाना फर्ज है आपके ऊपर। अब इसकी जरा वो करें, अब इसको आप यहां से जाके यहां राइट क्लिक करें, इसको रीनेम करके आप एंड से डॉट टीएक्सटी को हटा दें और यहां पे कर दें डॉट पी वाई। यस यस करें, ठीक है। अब देखो आइकन चेंज हो गया है, टाइप चेंज हो गई है, ये टाइप लाजमी आप चेक, यानी आप देखेंगे टाइप चेंज होना चाहिए, आइकन फाइल आना चाहिए और आइकन भी चेंज होना चाहिए। अब इसको राइट क्लिक करके, इसी फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करें, ओपन विद आ रहा है, ओपन विद, ओपन विद नोटपैड। अब इसके अंदर आप यहां पे नोटपैड खोलें, नोटपैड के ऊपर कोड करें, नोटपैड के अंदर लिखें प्रिंट क्लास वन डबल कोट के अंदर, ब्रैकेट बंद, प्रिंट अपने यानी जो भी आपके यानी इंस्टीट्यूट का नाम है सर कासिम, पीआईसी लिख दें। जी बेटा बोले। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी नहीं, तो जो आप कोडिंग करवाएंगे अभी तो हम समझ रहे होते हैं, फिर वो बाद में कैसे फॉलो। अच्छा कोडिंग जो है वो आपको जुपिटर नोटबुक मिल जाएगी, और दूसरा अली आप क्लास में मौजूद हैं? जी जी अली नकी। अच्छा अली मैं आपको ना क्रेडेंशियल दे दूंगा जूम के ना, तो आप ना इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो डाउनलोड करके एक यूट्यूब चैनल है पीआईसी का ऑफिशियल, वहां पे ना आप अपलोड कर दिएगा, ठीक है। तो वो लिंक वगैरह वो सारी चीजें फिर ना ग्रुप में आप ना यानी वो कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस तरह यानी उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे आपको अपलोड होके मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पोर्टल पे आए ना, पोर्टल पे भी आ जाएगी, आ जाएगी, लेकिन ये कि यूट्यूब चैनल पे फौरी आ जाएगी, पोर्टल पे दो हफ्ते बाद आएगी, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे शेयर हो जाएगी, दोबारा करवा दीजिएगा। पोर्टल पे वीडियो बना हुई है लेक्चर का, पोर्टल पे कह रहा हूँ यूट्यूब पे नहीं अभी नहीं। सॉरी क्या कर सकते, यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दें, जुपिटर जो इसका एनाकोंडा का एक ऑप्शन है सर, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में। अच्छा अभी पहले इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं वरना वो ट्रैक से मरते हैं, ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगी। अच्छा आपने ये दो तीन लाइनें, एक और लाइन लिख लें, कुछ भी लिख लें, टीचर नेम भी लिखते हैं और टाइमिंग भी लिखते हैं। कासिम लिख दिया करें यार, क्या हो सर कासिम से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा नेक्स्ट आप उसके बाद क्या लिखते हैं, टाइमिंग भी लिखते हैं। ठीक है जी, ओके परफेक्ट है। अच्छा अब इसको कंट्रोल एस, ये पूरी टाइम करना चाहे तो कर दें, कंट्रोल एस कर दें, ठीक कंट्रोल एस कर दिया। अच्छा अब कंट्रोल एस करने के बाद इसको बंद कर, नोटपैड को बंद कर दें। अब जब भी आपको एडिटिंग करनी है ना वो इसी के ऊपर आके करेंगे। अच्छा आप देखिए आपने 10 लाइनें लिखी, 50 लाइनें लिखी, इसको आपको चलाना है। चलाने का क्या तरीका, ऊपर एड्रेस बार आ रही, एड्रेस बार ये रही, इसको क्लिक करें, यहां पे आप लिखें पाइथन, इसको मिटा दें पूरे टेक्स्ट को, यहां लिखिए पाइथन स्पेस, या बल्कि यहां पे पहले सीएमडी लिखें, आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं, डायरेक्ट वाले शॉर्टकट बाद में करेंगे, सीएमडी एंटर। अब यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहले हम इसको पाइथन से चलाना चाहते, तो आप लिखेंगे पाइथन, याद है आप पहले पाइथन लिख के एंटर करते हैं, अब मैं पाइथन लिख के एंटर नहीं कर रहा, मैं पाइथन लिख के मैं बता रहा हूं कि आपको जो कोड चलाना वो कहां पे, स्पेस, स्पेस सेपरेटर है, स्पेस दें। अब फाइल का नाम और एक्सटेंशन बता दें, फाइल का नाम क्या है जो भी हमने बनाई, क्लास वन, क्लास वन डॉट पी वाई, एंटर करें। क्या जादू रिजल्ट आ गया, ठीक है रिजल्ट आ गया।
आप ब्रेक स्क्रीन बंद कर लें और दोबारा से खोलें, दोबारा इसको चलाएं, प्रिंट सिर्फ ना था देना जी सी एंड डी, हमने सारा कुछ लिखना है वो प्रिंट करें, मैं तब ना डबल प्रिंट होगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा उसी तरह आप चलाएं बिलाल, पाइथन क्लास वन डॉट पी वाई। तो यहां पे एक चीज नोट करें कि आप कंप्यूटर शट डाउन करके दोबारा भी खोल लें, आपने जितनी लॉजिक लिखी है वो लॉजिक यहां पे बाकी रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब मैं यही चीज आपको लिनक्स में करके दिखाता हूं, ठीक है। लिनक्स में क्या तरीका है भाई, लिनक्स में जहां भी आपका फोल्डर है वहां पर राइट क्लिक करें, टर्मिनल खुल जाता है, ठीक है जी। मुझे देखिए यहां पर कोई फाइल नहीं है, मैं फाइल बनाना चाह रहा हूं, तो फाइल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है टच, फाइल का नाम क्या रखा हमने, क्लास वन डॉट पी वाई। आप देखिए नोट करें, फाइल बन गई है दोस्तों पी वाई की जी, ठीक है। मैंने कमांड के जरिए बनाई है, क्या कमांड थी ये, कमांड भी आप अपने पास लिनक्स पे लिख लें या अपने पास नोट कर लें, मैं चैट के अंदर इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी कोई चैट के अंदर मैसेज ना करें क्योंकि अभी इस वक्त मैं सिर्फ कमांड आपसे शेयर कर रहा हूं। तो हमने लिखा टच क्लास वन डॉट पी वाई, ठीक है, ताकि आप लोग कॉपी कर लें, काइंडली मैसेज ना करें ताकि फिर दूसरे यानी फिर वो कोड नहीं मिल पाएगा ना। तो मैंने यहां लिखा टच, या अल्लाह अल्लाह के बंदो मैसेज, अच्छा ओके ठीक है। तो काइंडली अभी मैसेज इसके चैट के ऊपर मैसेज ना करें, मैं सिंपल कमांड लिख रहा हूं, तो टच क्लास जी जी वन डॉट पी वाई। हमने विंडो पे किया ना सीएमडी पे, जब नोटपैड बना के उसको सीएमडी पे दोबारा ओपन किया तो वो लिखा रहा कैन नॉट रिकॉग्नाइज द फाइल, क्योंकि आपने ना एनवायरनमेंट पाथ पे चेक नहीं लगाया था ना गोना इंस्टॉल करते वक्त। लगाया था आप अपने सर, मैंने भी लगाया था, ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है उसके लिए डबल कोट्स में फाइल नेम लिख दें तो फिर वो रिकॉग्नाइज करेगा इस फॉर्म में, जो डॉट पी वाई है ना उससे पहले और फाइल नेम से पहले डबल कोट्स स्टार्ट और एंड करें, क्योंकि वो आपके जो सेटिंग्स है ना उसके हिसाब से वो पी वाई डॉट टी एक्स टी ले रहे फाइल, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन में मसला है, एक्सटेंशन में मसला है सर। एक्चुअली ये होता है कि जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हैं ना तो वो आपको डिफॉल्ट जो भी डेस्कटॉप है उस पर वो खोल देता है, बेसिकली इनकी फाइल कहीं और मौजूद है और पाइथन कहीं और रन कर रहा है, करंट फोल्डर नहीं होगा तो वो फाइल उसको नहीं मिलेगी, बिल्कुल। अच्छा चलें, अभी हमने ये स्क्रीन वाले देख लिया, ये सॉल्व हो गया प्रॉब्लम है, पहले हम इसको कर लें सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, वर्ड डॉक से सर वहां से समझ नहीं आई, प्लीज दोबारा से करवा सकते हैं आप, मैं बिल्कुल करवा देता हूँ। देखें मैंने क्या किया, लिनक्स के ऊपर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, विंडो वाला आप देख चुके हैं। आपने करना क्या है कि जहां भी आपने फोल्डर बनाया, मैंने ये फोल्डर बनाई है कि पूरी लोकेशन होम डेटा पी आई सी क्वार्टर वन पाइथन क्लास वन, ये फोल्डर की यानी पूरी हायरार्की, कहीं भी आप फोल्डर बना लें जैसा आपने डेस्कटॉप पे बनाया था। अब मैं उस फोल्डर में आके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन आता है टर्मिनल, ये ब्लैक स्क्रीन को कहते हैं, क्लिक किया आपके पास लेकिन ब्लैक स्क्रीन खुल गई कंसोल। अब जब आपके पास कंसोल खुल गई, मैं इस फोल्डर में कोई फाइल नहीं, मैं पाइथन लिनक्स से लिख के कमांड लाइन से एक फाइल बनाता हूं, तो हमारे पास लिनक्स के अंदर एक कमांड होती है टच, और उसके बाद जो भी फाइल आप बनाना चाह रहे हैं, मेरे पास फाइल का नाम है क्लास वन डॉट पी वाई, जैसे एंटर करता हूं देखें एक फाइल बन गई यहाँ पे, इसके अंदर अब आपको काम करना, मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ, ये खुद ब खुद यानी जो उसका एडिटर है उसके ऊपर खुल जाता है। इस एडिटर पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, हमने लिखा पी आई ए आई सी, ठीक है, बेच 36, 37 प्रिंट, ठीक है, और लाइक हमने लिखा संडे 9 AM to 12 PM, ठीक है, और इस तरह आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, सारा काम किया, फाइल काम करने के बाद जो भी नोटपैड या एडिटर है आपने उसको बंद कर दिया, फाइल यहाँ पे आ रही है, कंसोल खुला हुआ है, टच की कमांड चलाई थी। अब मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, इस फाइल को पाइथन के थ्रू चलाना है, तो पाइथन इस पे फाइल का नाम क्या है दोस्तों,
क्लास वन डॉट पी वन आ गया मैसेज जो भी उसमें लिखा है। अब उसको मैं जो क्या किया एक लाइन और एक कीजिए सर मेरी आंख लग गई थी तो सॉरी मुझे बता सकते हैं कि जब आपने कहा था कि हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद क्या किया? अच्छा इसका हल ये है कि आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हमने सिर्फ ना कंसोल के अंदर पाइथन जाके हेलो वर्ड किया है और उसके बाद एक नोटपैड की फाइल बना के पाइथन की फाइल बना के हमने उसके ऊपर काम किया। ठीक है कैसे बनाइए लिनक्स पे आपको बनाना सिखा देता हूँ दोबारा से नो शो। ठीक है कुछ नहीं था सर हम ये नोटपैड लिनक्स के टर्मिनल पे नहीं खोल सकते लिनक्स के टर्मिनल पे तो खोल लिया ये विंडोज पे भी खोल प्लीज विंडोज पे दोबारा करवा दें क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो विंडोज पे ही काम कर रहे हैं। बिलाल जरा आप अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर आया सर 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 जी सर आई हैव अ क्वेश्चन के अभी स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी हम नोटपैड पे काम करें या किसी भी हम जो है वो आईडी के ऊपर काम कर स्टार्ट करें? अब इसके ऊपर हम चलते हैं मैं सारी चीज आपको इसके बताता हूं। अगर रैपल पे कर ले तो इजीली हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आईडी मेरे के नहीं काम कर सकते हम तो मैं अल्लाह के बंदो ये जो आरईए फाइल हैंडलिंग कर ले सबसे बेस्ट हो जाएगा सर ये जो अच्छा आप सबसे पहले मेरी सुने 10 मिनट मुझे आप लोग दें जिसके अंदर मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। ठीक है पहला तरीका दूसरा तरीका तीसरा तरीका चौथा तरीका पांचवा तरीका वो तरीके आपको पता हो कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल करें प्रोग्रामिंग का मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि अब बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। ठीक है वो बाद में आप खुद डिसाइड करें लेकिन पांच या चार तरीके जो है वो पहले सीख लें। सर पहला तरीका जी जी बोले नहीं नहीं मैं कुछ थोड़ी सी एडिशनल इन्फो दे रहा था। मैं कह रहा था पाइथन के साथ एक वो आता है स्पाइडर वो भी यूज कर सकते हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ पांच मिनट दे देंगे ना उसके बाद ये सारे जितने आप लोग के सवाल आते हैं ना सबके जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। थैंक यू। ठीक आई नीड जस्ट 5 मिनट देन आई विल डिस्क्राइब लेकिन तो अगर आप वहां से स्टार्ट करा दो ना यहां से विंडो पे किया क्योंकि मेरा भी विंडो पे नहीं चल रहा हो सर जहाँ से प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट किया वहाँ से स्टार्ट ले लें तो बेस्ट होगा लाइट नहीं थी तो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है फिलहाल इस फाइल को भी डिलीट कर दो। अच्छा अब सबसे पहले आपने क्या किया सबसे पहले विंडो प्लस आर करो सब कुछ छोड़ो ये फोल्डर भी डिलीट कर दो हम पूरा बना विंडो प्लस आर। ठीक है हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया था एनवायरमेंट पाथ पे चेक लगाना फर्ज था। ठीक है छोड़ दो इसको नहीं भी हो रही सीएमडी पे आ जाओ विंडो प्लस आर CMD. आपने एनाकोंडा इंस्टॉल अगर किया हुआ ना एनवायरमेंट पाथ पे चेक लगाया तो जैसे आप CMD लिख के पाइथन लिखते हैं इंटर करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। ये आगे इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल है एनवायरमेंट पाथ पे चेक लगा यहाँ पे लिखे प्रिंट और अपना नाम लिखते हैं या हेलो वर्ड लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ड इसे हम कहते हैं कंसोल के ऊपर पाइथन लिखना। चल तो रहा है ना ये प्रिंट वगैरह हेलो वर्ल्ड वगैरह रिजल्ट आ रहे हैं रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है भाई ये प्रिंट किया नीचे आपका देखिए रिजल्ट आ गया हेलो ओके जब आ गया इस पहला तरीका हो गया कि आप डायरेक्टली सीएमडी के ऊपर जाके कोड कर सकते हैं लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक स्क्रीन बंद करें भैया आप अब जैसे आप इसको बंद किया ना सारा नाम डिस्ट्रॉय खत्म किसी को कुछ नहीं पता क्या किया था आपने इतना सोच के 5000 लाइनें लिखी लेकिन ब्लैक स्क्रीन बनो सारा कोड सारी लॉजिक खत्म। इसका सोल्यूशन क्या था इसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब हमने एक फोल्डर बना लिया जहां पे आपको काम करना फिजिकल फाइल से आप करवा तो आपने एक फोल्डर बनाया लाइक क्लास टू के नाम से इस फोल्डर के अंदर चले हैं बिलाल ये डेस्कटॉप पे हो सकता है कहीं भी हो सकता है। जब आप इस फोल्डर में चलेगा अब यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे फाइल बनाने का क्या तरीका है अच्छा यहाँ पे ना बेश फाइल से भी बना सकते हैं। देखो ये बेश आ रहा है ब्लैक स्क्रीन के लिए जैसे कंसोल होता है ना जैसे मैं लिनक्स पे इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे गिट बैश लिखा गिट बैश थर्ड क्लास ऑप्शन आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रही है समझ नहीं आ रही उसकी वजह ये मैंने वो चार्जर लगा दिया था। अच्छा आप राइट क्लिक करें बिलाल और गिट बैश इससे ऊपर वाला गिट बैश फोर्थ लास्ट ऑप्शन न्यू से ऊपर नहीं नहीं इस पे नहीं जाना अभी मेन मेन्यू में ये गिट बैश क्लिक। अच्छा ये यहाँ
ना आप कंसोल ना लिनक्स की कमांड भी चला सकते हैं। कंट्रोल प्लस करके जरा जूम करो, कंट्रोल प्लस करते जाओ, ठीक है। अच्छा अब बिलाल यहां पे लिखो टच touch स्पेस क्लास वन डॉट पी वाई, क्लास वन डॉट पी वाई, इंटर। अब वहां पे आए, देखो फाइल बन गई, फोल्डर बैक करके देखें, ठीक है दोस्तों। अब वो अपनी एक्सटेंशन शो करानी नहीं करवानी, वो सारी टेंशन खत्म। अच्छा टच करके आपने फाइल बना ली, इसके ऊपर डबल क्लिक नहीं, राइट क्लिक करके इसको ओपन विद नोटपैड करें, नोटपैड पे खोलें, विजुअल कोड पे खोलें, लेकिन अभी नोटपैड पे खोलेंगे सिंपल, क्योंकि सबके पास इंस्टॉल नहीं होगा। ओके यहां पे आप ना तीन लाइनें कुछ भी लिख दें जो आपका दिल करे, सर। ये फाइल फॉर्मेशन वैसे हुई थी जैसे पहले की थी हम लोगों ने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से? हाँ वैसे करी था, उन्होंने कमांड से कर ली, क्या फर्क पड़ता है? गिट आपने गिट इंस्टॉल किया था, गिट भी मैंने इंस्टॉल करने का बोला था जब आती है, ठीक है। इसको सेव कर दें, बंद कर दें, कुछ बता दें गिट कैसे खोलना है? राइट क्लिक करके गिट बैश का ऑप्शन आएगा अगर आपने गिट इंस्टॉल की भी। अच्छा अब आपने क्या किया है, अब आपने एड्रेस बार पे गए, एड्रेस जहां पे दोबारा दिखाओ, एड्रेस बार टॉप के ऊपर होता है जो एड्रेस लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ क्लास टू एड्रेस पे क्लिक किया, क्लिक करें, इसको मिटाएं पहले पूरा। अब सर वो गिट बैश में डायरेक्टरी खुली होगी ना उधर से ही चला लें? अच्छा हम वहां से भी चला सकते हैं, अभी यहीं से हम चला रहे हैं, सही है। तो हम एड्रेस बार वाला याद रखें, एड्रेस बार पे गए, सीएमडी लिखें बिलाल यहाँ पे, ये ब्लैक स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब हमें पाइथन चलाने, तो पाइथन स्पेस फाइल का नाम क्या है, क्लास वन डॉट पी वन, तो उसमें जो भी कुछ लिखा है ये देखें प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा अब एक हम जादू, हम कोई और चीज ऐड करना चाह रहे हैं, उसी फाइल को ओपन विद नोटपैड दोबारा कर लें भले। इसके अंदर एक कोई और लाइन ऐड कर दें, कंट्रोल एस, ठीक है। अब दोबारा इसको वो ब्लैक स्क्रीन खुली हुई बंद कर दें या मिनिमाइज कर दें, सही है दोनों कर सकते हैं। यहां पे आप ब्लैक स्क्रीन के ऊपर चलाएं, आप एरो की दबाएं, खुद ब खुद कमांड ऊपर आ जाती है, आप एरो की दबा दें, डायरेक्ट आप एरो की दबाएं, लेफ्ट राइट आप है ना, आप एरो की आ गए, नहीं नहीं एक और आप दबाएं, चलो लिख लो यार पाइथन स्पेस क्लास वन डॉट पी वाई, एंटर, ठीक है। चौथी लाइन भी देखिए ऐड हो गई, इसमें कोई मुश्किल सर? जी बेटा जिसमें लैपटॉप पे कर रही हूँ काम, वो उस मीटिंग किसी और से ज्वाइन की हुई है। अच्छा फिर तो फिर आपको देख लें, ये बिल्कुल यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, देन आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं? सॉरी हमने एक क्लास वन डॉट पी वाई की फाइल बनी, ठीक है, ऐसे। उसके बाद उस फाइल को आपने पाइथन की यानी नोटपैड पे खोला, वहां पे आपने जो भी यानी पाइथन का सिंटैक्स है प्रिंट करके लिख दिया, और उसके बाद फाइल को बंद किया। आपकी फाइल जहां पड़ी है, जिस फोल्डर में पड़ी है, उसके एड्रेस बार पे जाएंगे, उसके पूरे एड्रेस को मिटा के सीएमडी लिखेंगे, और उसके बाद आप पाइथन स्पेस फाइल का नाम और एक्सटेंशन लिख देंगे, एंटर करेंगे, वो कोड डिस्प्ले हो जाएगा, बस ये सिंपल सा स्टेप था। अच्छा जी ये तरीका हो गया, अब प्रॉब्लम क्या है, इसको भी आप बंद कर दें, ये आपकी फिजिकल फाइल है, आप इसको किसी को उठा के दे सकते हैं, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 साल बाद भी आप आएंगे तो ये फाइल मौजूद होगी, आपकी लॉजिक डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरीका था, कौन सी वाली सर? फाइल क्रिएशन की, फाइल क्रिएशन की आप अगर गिट बैश पे खोलेंगे तो गिट बैश के ऊपर टच स्पेस क्लास वन डॉट पी वाई। अच्छा इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा रन नहीं कर रहा वो उस पे, कि मैंने क्लास वो फाइल भी क्रिएट कर दी है और मैंने सीएमडी पे ओपन भी किया हुआ है,
पाइथन स्पेस क्लास नेम दे के उसको रन किया सिंटैक्स एरर दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स है आई डोंट नो क्या गलती हो रही है उसकी देखो दो वजह शेयर कर दें आप रियल टाइम पे देख लें और दूसरा ये है कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से ना थोड़ा टाइम बाकी प्रैक्टिस का कम रह जाएगा मतलब जो हमारे पास रिकॉर्डिंग होगी उससे हम देख सकते हैं कि कहाँ से क्या शुरू किया था पहले कोड किस वाले लिखना है सीएमडी पे या गिट बैश पे कैसे लिखना है जी बिल्कुल सर ऐसे ही ठीक है चलो ठीक है ये भी देख लेते हैं अच्छा एक की ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर लेते हैं जिसका यानी कोड में मसला आ रहा है सिंटैक्स एरर आ रहा था मैं शेयर कर देता हूं स्क्रीन अगर आप अलाउ करते हैं बिलाल स्टॉप करें स्क्रीन जरा बिलाल आपको स्क्रीन स्टॉप करना पड़ेगी एक मिनट मैं स्टॉप कर देता हूँ अच्छा फिर आप शेयर करें अपनी स्क्रीन स्क्रीन वन स्क्रीन टू शेयर हाँ ये हो गया अच्छा अब इस फाइल को खोलें आपने ना प्रिंट के बाद ब्रैकेट में लगाया हुआ है उस फाइल के जो पाइथन की फाइल है राइट क्लिक करें ओपन विद नोटपैड नोटपैड सही नोटपैड खुल गई जी ठीक है आपने स्पेस दिया हुआ पी कैपिटल है पी को स्मॉल करें सबसे पहले तो सही है दोनों पी स्मॉल कर दें नीचे वाले भी और फिर प्रिंट टी के बाद जो स्पेस दिया हुआ ये स्पेस खत्म करें नीचे वाले पे भी खत्म करें कंट्रोल एस करें इसको बंद करें या खुला रहने दें कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लैक स्क्रीन पे आके अब लिखें पाइथन स्पेस क्लास टू डॉट पी वाई नहीं हाँ इसको बाहर निकलो कंसोल को बंद करो पूरी अब दोबारा इसके एड्रेस बार पे जाओ सही CMD लिखा हुआ है एंड CMD इंटर अच्छा ब्लैक स्क्रीन आई जी यहाँ पे आप लिखें पाइथन स्पेस क्लास टू डॉट पी वाई पी वाई पी वाई टी सॉरी पी वाई स्पेस क्लास टू डॉट पी वाई इंटर ठीक है अब ये क्या कह रहे हैं भाई पाइथन वाज नॉट फाउंड तो आप इसका मतलब है आपने एनवायरमेंट पाथ के ऊपर चेक नहीं लगाया हुआ था अच्छा सही वो मुझे इंस्टॉलेशन के उसमें करना है या इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के अंदर एनाकोंडा दोबारा से इंस्टॉल करें एनवायरमेंट पाथ पे चेक लगा दें सर अब वो नहीं होना ये अब एनाकोंडा पे कर लेंगे ना प्रैक्टिस तो वहां पे चलती रहेगी हाँ वहां से चल जाएगी राइट करके एनाकोंडा पे चल जाएगा पड़ेगा लेकिन एक वो लंबा प्रोसेस है ना तो खैर मैं अगर इस पे नहीं होता सर बाद में ये ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करता मैं अगर इस पे चलाऊंगा तो सॉल्यूशन पड़े होंगे जो अगले प्रोसेस है वो बता देंगे ये जी जी मैं बताऊंगा बिल्कुल टेंशन नहीं लें अभी मैं बता के मैं खत्म करूंगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा मैं भी आगे नहीं जा रहा अच्छा अब एक काम करें एक मिनट डायरेक्ट नहीं चलेगा हमें पहले यहाँ पे एड्रेस आना पड़ेगा तो एक अभी नहीं अच्छा सही वो जो एड्रेस आ रहा है ना ऊपर आ रहा है एड्रेस एड्रेस कॉपी कर लो पूरा एड्रेस कॉपी करो सही है नहीं इसको पहले बैक करो ये बैक का एरो आ रहा है लेफ्ट साइड पे अब राइट एरो दोबारा हाँ फोल्डर के अंदर जाओ फोल्डर में जाओ दोबारा फोल्डर जी अब इसको कॉपी करो एड्रेस को ठीक है एक्जी फाइल नहीं ओके कॉपी हो गया सही अब वहां पे आए एनाकोंडा के अंदर सही है वहां पे लिखे सीडी नहीं ये एनाकोंडा है हाँ सीडी जी सीडी ठीक है यानी चेंज डायरेक्ट स्पेस और उसके बाद राइट क्लिक करके पेस कर दें एंटर करें जी एंटर करें अच्छा ये एनवायरमेंट पाथ ये चेंज नहीं कर रहा डायरेक्टरी ये पाथ डबल कोट्स में देना पड़ेगा पाथ डबल कोट में ठीक है नहीं सर ये डी ड्राइव पे जाएं वहीं पे है डी ड्राइव पे जाएं ना जरा डी कॉलन लिख के प्रेस करें अच्छा सीडी पहले टी में जाना स्टार्ट से टी में जाना है सीडी करके जाएं सीडी करके डी कॉलन एक मिनट यहाँ पे सिर्फ डी कॉलन लिख दें डी कॉलन लिख के एंटर डी कॉलन सिर्फ डी कॉलन लिख अच्छा देखें डी कॉलन अब आ गए आप आ चुके हैं सही है ठीक है आप आ चुके हैं जब आप आ चुके हैं अब वाली कमांड चलाएं पाइथन 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 स्पेस क्लास टू डॉट पी वाई एंटर ठीक है हैप्पी सही है गुड सर ओके ग्रेट ठीक है भाई अब इसको यहां तक रखते हैं अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूं
भाई आपको दो तरीके आ गए। पहला तरीका आपको आया कि आपने क्या किया है कि कंसोल पे लिखा है, दूसरा तरीका आपने फिजिकल फाइल बनाई। मैं यहाँ पे आप कंसोल पे बना के जल्दी चला देता हूँ। आपने क्या किया, आप ब्लैक कंसोल राइट क्लिक करके आपने टर्मिनल पे लिनक्स के ऊपर पाइथन लिखा, नहीं सॉरी टच की कमांड लिखी और आपने लिखा क्लास वन डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल बना, इस फाइल पे डबल क्लिक किया या आपने एडिट व्यू पे खोल लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसको कंट्रोल एस किया। फाइल को बंद करना चाहे कर लें वरना ब्लैक स्क्रीन पर दोबारा आके यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथन, फाइल का नाम है क्लास वन डॉट पी वाई, ठीक है। तो वो कमांड जो भी आपने लिखा था, आपने फाइल बनाई है और ये आपने कमांड चलाई है, तो ये दो कमांड आप टर्मिनल पे चला लें, दो तरीकों पर। इस तरीके में भी प्रॉब्लम क्या है कि आपको तो जो एडिटर है ना, सिंपल एडिटर जो ये नॉट पैड ही है, इसके अंदर मैं प्रिंट लिखता हूँ ना, प्रिंट में क्या चीजें पास करनी ये कभी भी मुझे नहीं बताता, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया, अब तीसरा तरीका मैं चाह रहा हूँ यार कुछ इंटेलिजेंस वे हो ना कि मैं कुछ भी लिखूं वो मुझे बता दे। तो वो क्या होता है, हमने वीएस कोड इंस्टॉल किया हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड। क्या इंस्टॉल करना है दोस्तों आपको, वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है। फिर ये लिंक भी आप लोग के पास है, ये वीएस कोड आप यानी डाउनलोड कर लेंगे, आप लिनक्स पे विंडो पे जिस पे भी है। चैट के अंदर लिंक विंडोज पे तो हुआ है, अगर जब लिनक्स करेंगे तो लिनक्स पे फिर अलग से डाउनलोड करेंगे वीएस कोड दोबारा से। जी सरेश बिल्कुल, वरना एनाकोंडा के साथ वैसे इंस्टॉल ही हो जाता है जब आप चेक लगाते हैं। अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो कोड है वीएस कोड के ऊपर खुल जाए, तो ये देखें एड्रेस जहां पे खोला हुआ है ना उसी जगह पे, फिर दोबारा फाइल बनी हुई है, फाइल ना आपने उसी तरह बनाई टच करके जो भी आप कमांड चलाते थे उसी तरीके से आपने फाइल बनाई हुई है इस फोल्डर में। तो राइट क्लिक टर्मिनल और विंडो पे का एड्रेस बार पे जाके ब्लैक स्क्रीन पर सीएमडी लिखेंगे, आपके पास ब्लैक स्क्रीन खुल जाती है। यहां पे जाके आपने क्या करना है, कोड स्पेस डॉट, ठीक है, इसका मतलब है करंट डायरेक्टरी में जो भी कुछ है इसको विजुअल स्टूडियो कोड में लोड कर दो, इंटर। ठीक है, तो यहां पे आप देखें वीएस कोड के ऊपर ये चीजें ओपन हो गई हैं। सर जी दोबारा तो नहीं, कैसे किया, दोबारा कर देते हैं, टेंशन नहीं है सर। ये वीएस कोड और विजुअल स्टूडियो जो दूसरा 2020 सेम है सर चीज यार, ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये लाइट वर्जन है और विजुअल स्टूडियो वो एक कंप्लीट है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन सोर्स है, फ्री में है, जबकि वीएस विजुअल स्टूडियो जो है वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो कि 20 GB तक का है और ये कुछ MB का है। तो कुछ MB वाला जो है ये हमारे लिए फायदेमंद है, 20 GB वाला आप डाउनलोड नहीं करिएगा सर। अच्छा सर, डाउनलोड हुआ है तो उसको हम लोग अपग्रेड करें या हम लोग उसको रहने दें और दोबारा से विजुअल कोड डाउनलोड करें, इसको भी करना दोनों करने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आके मुझे इसके ऊपर काम करना है, इसके अंदर देखिए पाइथन अपडेट मेरे पास आई हुई, बोला अपडेट करना चाह रहे हैं आप अपडेट कर सकते हैं सारी चीजें। खैर इसमें क्या हुआ, ये स्क्रीन मेरी स्टॉप हो गई है, एक मिनट, या तो मैंने कुछ ज्यादा हैवी प्रोसेस खोले में सबको। जी आवाज आ रही है, इस तरह आवाज आ रही है। अच्छा अभी मेरी मशीन थोड़ी सी नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था एक मिनट मौजूद है, अभी सवाल नहीं, अभी मैं पहले कंप्लीट करवाऊं उसके बाद मैं सवाल लूंगा आप लोगों से। अच्छा जी, अच्छा आप देखें यहाँ पे आपके पास ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट क्लिक जब पहली वाली फाइल पे आप क्लिक करते हैं, देखिए मैंने फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये फाइल का ऑप्शन पहले लेफ्ट साइड के ऊपर जो आ रहा है सर्च के बटन के ऊपर, आपने वन क्लिक करना है, वन क्लिक करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन आएंगे, आई थिंक मैंने क्लिक किया, ओके असल में मैंने इसके अंदर चार पांच प्रोसेस और भी कुछ खोले हुए हैं तो उसकी वजह से मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप कहते हैं तो एक मिनट मैं दोबारा देख लेता हूं, अगर चलता है सही है वरना मैं दूसरे ही किसी। अच्छा आप लिनक्स पे और विंडो पे सबके ऊपर सेम ही काम करेंगे सारी चीजें, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपके पास ऐसे क्यों चला, ये क्या होता है। अच्छा ये देखिए ये आपके पास आ गए, विंडो में भी इसी तरह होगा,
आपने कंसोल पे जाना है, उसके ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा आप देखें, एक है सोर्सेस और एक है आपके पास क्या है, फोल्डर का नाम, याद है फोल्डर का नाम। तो मैंने देखिए फोल्डर के नाम वाले पे क्लिक किया, दूसरा वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर क्लास वन फोल्डर का नाम आ रहा है, इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो जो फाइल मैंने बनाई हुई है ना डॉट पी वाई वाली, वो यहाँ पे आ जाएगी। बहुत ही स्लो हो गया कभी, देखिए यहाँ पे दोस्तों फोल्डर नेम डिफरेंट है। नहीं नहीं वही है, क्लास वन ही रखा था ना, वन अंडरस्कोर क्लास। ठीक है देखिए ये आ गया, मैं डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये राइट साइड के ऊपर ये फाइल ओपन हो गई। ओपन हुई थोड़ा सा काम ले रही। अब देखिए यहां पे फायदा क्या है, पाइथन की इंटेलिजेंस आ जाती है। इंटेलिजेंस देखने क्या इंटेलिजेंस है, क्या फर्क देखने बताएं लिखे हुए में, कोई फर्क देखने दोस्तों? लाइन नंबर आ रही है और क्या फर्क देखना सर? कोड से ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अभी मशीन मेरी क्योंकि स्लो हो रही है, मैं काम करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। बिलाल आप अपनी स्क्रीन ज़रा शेयर करें। सर बात सुन, बिलाल सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था सर, जो बिटर लोड का काम नहीं करेंगे, बात वेस्ट कोड का करेंगे क्या? मैं अभी सवाल मैं सबके बाद में लूंगा, पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद हम सवाल के ऊपर जाएंगे।